देखो, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, अब उनका क्वेरी है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो ऐसा है कि जिनका जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो चुका है, तो उनको तो समझ में आ गया होगा कि आनंद मिल रहा होगा। और जिनको कुछ इशू हुआ होगा, उनको भी कुछ ना कुछ टाइम दिया गया होगा। तो अपना अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस टीवी का, और आप लोगों को कहाँ किसी को रोका गया है तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या इशू की वजह से उनको टाइम दिया गया है। जिनका क्लियर हो गया वो भी कमेंट करें। और इसके बाद का जो प्रोसेस होने वाला है, तो मैंने भी पूछा था जो टीवी ऑफिसर से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने घर जाइए, फिलहाल आगे की जो कार्रवाई होगी आपको बता दी जाएगी। तो जहाँ तक मैंने पता किया, तो इसके बाद क्या होता है कि आपको वो 5 स्टेशन दिए गए होंगे, 5 डिस्ट्रिक्ट दिए गए होंगे जहाँ आपको एलोकेट किया जाएगा। तो आपने उसमें 5 जिलों का नाम या 5 ऑफिसेस जो हैं जहाँ जहाँ उनका नाम जो है आपने दिया होगा। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया कि विद इन 2 वीक्स, मे बी दैट, आई एम नॉट श्योर, मुझे मतलब मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, 2 हफ्ते के अंदर, 2 वीक के अंदर जो होता है वो आपको मेल आ जाएगी शायद कि आपका जो एलोकेशन है वो कौन सी जगह पे हुआ है। और उसके 1 महीने के भीतर मोस्ट प्रोबली अगला जो रोज़गार मिला होगा शायद, आई थिंक, तो उसमें जो है जॉइनिंग लेटर मिल सकती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हमें बस वेट करना चाहिए। तो जस्ट कीप वेटिंग, और मैं भी वेट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।